पंजाब में किसान आंदोलन की जीत का जोरदार तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बठिंडा में तो जीत के जश्न को कुछ अलग तरह से मनाया गया। दरअसल किसानों ने कृषि कानूनों पर जीत के जश्न में अभिनेत्री कंगना रनौत को भी शामिल कर लिया है। गांव कोट समीर में किसानों ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के पुतले की गांव गहरी भागी के किसान महेंद्र सिंह के साथ शादी करवा दी। शादी भी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। कंगना के पुतले को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसका हार श्रृंगार भी किया गया। गांव गही बागी के किसान महेंद्र सिंह बारात लेकर गांव कोठक नीट पहुंचे और कंगना रनौत के पुतले और किसान महेंद्र सिंह की शादी करवाई गई। इस मौके पर किसान ढोल की थाप पर नाचते भी नजर आए। इस अनोखी शादी में महिलाओं ने शादी के गीत भी गाए और माहौल पूरी तरह से शादी जैसा था। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी कहा था, जिसके बदले किसान यूनियन ने कंगना रनौत को चैलेंज किया था कि वो उसे सबक जरूर सिखाएंगे। किसानों ने कहा कि किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना को अब पता चलेगा गाँव में किसान कैसे रहते हैं, इससे अब गाँव में खेतों में काम करवाएंगे और तब पता चलेगा किसान कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं दूल्हा बने किसान महेंद्र सिंह ने कहा कि कंगना किसानों के बारे में काफी उलट पुलट बोलती थी, अब उसे शादी करके लेकर आए हैं और उससे रोटियां बनवाएंगे, खेतों में काम करवाएंगे। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान कंगना ने कई बार अभद्र टिप्पणी की थी। साथ ही किसानों को आतंकी, खालिस्तानी और तालिबानी तक कह दिया था। वहीं कंगना ने सिखों के खिलाफ जहर उगला था, जिसको लेकर किसानों में गुस्सा है। यही वजह है कि एक बार किसानों ने कंगना रनौत के काफिले को भी घेर लिया था और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी।